जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 19 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 20 होगा कि नहीं। प्रैक्टिस सेट बीस सेट 20 दोस्तों आप सभी मित्रों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस जरूर देखा होगा, और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि जितना मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस प्रोवाइड कराया, जितना कहने का मतलब क्या पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने प्रोवाइड कराया है, आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियो सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको सारे प्रैक्टिस सेट सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी तक दोस्तों आपने क्या भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन कराए दोस्तों, और दोस्तों मैंने आपको क्या पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ यानी कि दंड आरेख या दंड आरेख आलेख या आरेख कई तरीके से पूछता है, पिक्टोग्राफ और दंड आरेख या बार ग्राफ से संबंधित दोस्तों मैंने आपको पर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में आप सीखेंगे पाई चार्ट, पाई चार्ट के संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन और अलग से भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला दोस्तों प्रश्न लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है मोहन के बगीचे में, मोहन के बगीचे में, बगीचे में आम के 100 वृक्ष, आम के 100 वृक्ष, आम के 100 वृक्ष, जामुन के 25, जामुन के 25 25 अमरूद के 50, अमरूद के 50 और आगे कह रहा है अमरूद के 50, कटहल के, कटहल के 75 एवं बेल के 50 वृक्ष हैं, बेल के 50 वृक्ष हैं। ठीक है, आगे कहता है इस आंकड़े को पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं, इस आंकड़े को पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, इस आंकड़े को पाई ग्राफ द्वारा, पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए।
ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है मोहन, मोहन के बगीचे में आम के 100 वृक्ष हैं, जामुन के दोस्तों कितने 25 वृक्ष हैं, अमरूद के 50 वृक्ष हैं, कटहल के 75 एवं बेल के 50 वृक्ष हैं। इस आंकड़े को पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पाई ग्राफ को बनाने से पहले सबसे पहले देखिएगा, इसको एक टेबल फॉर्म में पहले बनाइए, फिर उसके बाद पाई ग्राफ में बनाएगा, क्योंकि पाई ग्राफ जब भी दोस्तों बनता है तो उसमें एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल होते हैं। तो वृत्त के अंतर्गत एक बनेगा, वृत्त बनाएंगे फिर उसमें एंगलों के बारे में हम दिखाएंगे बारी बारी से। बात समझ पाए कि नहीं? तो उसके पहले हमें एंगल तो पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एंगल। लेकिन एंगल पता होने से पहले भी दोस्तों हमें कुल उस बगीचे में वृक्षों की संख्या पता होनी चाहिए। तो सलूशन में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या मोहन के बगीचे में कुल वृक्ष बराबर दोस्तों ध्यान से देखिए, कितना? आम के वृक्ष प्लस जामुन के वृक्ष प्लस अमरूद के वृक्ष प्लस कटहल के वृक्ष प्लस बेल के वृक्ष, सबको जोड़ दीजिए। तो दोस्तों आम के वृक्ष कितने 100 प्लस जामुन के कितने 25, अमरूद के दोस्तों कितने 50 और प्लस कटहल के कितने दोस्तों 75 और प्लस बेल के कितने 50, जोड़ दीजिए। देखो देखे कितना आता दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 5, 5, 10 का 0, इधर देखिए 5, 7, 5, 12, 12 और 5, 17 और 2, 19, 1, 20 का 0, वहां से लाए 2 और 1, 3, 300 वृक्ष। यानी कि दोस्तों कुल वृक्ष जो मोहन के बगीचे में कुल वृक्ष दोस्तों कितने 300 वृक्ष है। कितने? कुल वृक्षों की संख्या कितनी 300 वृक्ष है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब एंगल में चेंज करेंगे कि कितने डिग्री में पाई ग्राफ बनाना, कितने डिग्री में हमारे आम के वृक्ष लगे हैं, कितने डिग्री में हमारे जामुन के वृक्ष लगे हैं और कितने डिग्री में किसके अमरूद के वृक्ष लगे हैं, कितने डिग्री में दोस्तों हमारे कटहल के वृक्ष लगे हैं और कितने डिग्री में बेल के वृक्ष लगे हैं। तो पहले इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक साइड में लिखिएगा वृक्ष, ठीक है, वृक्ष की संख्या त्रिज्यखंड का कोण, वृक्ष लिख लिया, मतलब किस टाइप का वृक्ष है या वृक्ष का नाम लिख लेते हैं, खाली वृक्ष लिख दीजिए और संख्या, चलिए पूरा वृक्ष का नाम पूरा लिख देते हैं, ठीक है, आप खाली वृक्ष लिख लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या, वृक्षों की संख्या या डायरेक्ट आप क्या इधर खाली वृक्ष लिख लीजिए या खाली संख्या लिख लीजिए तभी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या है, क्या इस आंकड़े को पाई ग्राफ द्वारा निरूपित, त्रिज्यखंड का कोण, अभी बता दे त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों हमारी टेबल बनके तैयार होगी। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। पहला दोस्तों ध्यान से देखिए क्या है, पहला दोस्तों वृक्ष देखते कौन सा है, पहला कौन सा है, आम। ध्यान से देखिए पहला वृक्ष आम है। अच्छा आप चाहें तो इस साइड में क्रमांक भी लिख सकते हैं, क्रमांक फिर 1, 2, 3, 4, 5 और नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आम हो गया, आम के दोस्तों कितने 100 वृक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, आम के बाद किसका है, जामुन, दूसरे नंबर पर है जामुन, जामुन के दोस्तों कितने 25, तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा, अमरूद और दोस्तों अमरूद के कितने 50, चौथे नंबर पे दोस्तों कौन है, कटहल, उसके कितने 75 और दोस्तों लास्ट में कितने हैं, बेल,
बेल के 200 कितने? 50 हो गए दोस्तों, कर लेंगे। अब इसे मैं क्या करूंगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कुल वृक्ष जो हमारे हैं उनकी संख्या पता होनी चाहिए, और जिस वृक्ष को कन्वर्ट करना है उसकी संख्या पता होनी चाहिए। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्या करोगे, वृक्ष की संख्या, तो दोस्तों वृक्ष की संख्या कितनी, आम के कितने, 100। वृक्ष की संख्या बटे कुल वृक्षों की संख्या इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना, इसे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना दोस्तों, तीजी खंड का कोण कैसे निकाल, अभी बताएंगे तीजी खंड क्या होगा, जब बनाएंगे अभी चित्र वृत्त को तो उसमें बनाएंगे तीजी खंड का खंड क्या होता है बताएंगे दोस्तों। इसमें क्या किया, आम के वृक्ष बटे कुल वृक्ष इंटू 360 डिग्री, इससे दोस्तों में मल्टीप्लाई करनी है, 360 से मल्टीप्लाई। क्या करना है, सबसे पहले जब भी निकालना हो ऐसा करना हो, जब पाई ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो जिसको पाई ग्राफ में कन्वर्ट करना है उसकी संख्या बटे कुल जिसके बारे में चर्चा कर रहा है उसकी संख्या इंटू 360 डिग्री होगा। साफ कर लीजिए, देखिए ध्यान से, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, दोस्तों कितना होगा, 3 × 3 हो गया, 3 × 2 = 120, यानी 200 कितने है? हमारे जो आम के वृक्षों की संख्या कितनी आई, 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री में आम के वृक्ष होंगे, समझ गए ना दोस्तों। इसी पे कटाल के निकालते हैं, कटाल कितने हैं, यानी जामुन के, जामुन कितने दोस्तों, 25, तो 25 लिख लिया, कितना हो गया, 25 बटे कुल कितने, 300 × कितना, 360 डिग्री, कट कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे कटोगा, जीरो से जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, और किससे काट दे, पचम 25 हो जाएगा, और 5 × 30, 6 × 6 और 6 × 6 = 36, कितना आ गया, 6 × 5 = 30 डिग्री आ गया, 5 × 6 = 30, 6 × 5 = 30 डिग्री दोस्तों हमारा ये बन गया, किसके 30 डिग्री बन गए हमारे उसके। अच्छा ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ये 30 डिग्री दोस्तों हमारे जामुन के वृक्ष हो गए। उसके बाद दोस्तों निकालेंगे जो अब देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या, अमरूद के वृक्ष है, तो अमरूद के दोस्तों हमारे पास वृक्ष कितने, 50, तो क्या 50 बटे कुल वृक्ष कितने, 300 × कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री, कट कर लीजिए। तो फटाफट दोस्तों देखिएगा कितना कट जाएगा ना, काटते हैं, 0 से 0 गया, 5 × 5 गया, 5 × 30, 6 × 6 = 36, कितना गया, 60 डिग्री, ठीक। अब इसी में कहा दोस्तों अगला देखते कौन से बचे, कटहल के, तो कटहल कितने, 75 × कितना, 360 हो जाए बटे 300, कटहल के वृक्षों की संख्या बटे कुल वृक्षों की संख्या इंटू 360 डिग्री, कट कर लेते हैं दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 25 से कटा होगा, हाँ कट हो जाएगा, 25 × 3 = 75, ठीक है, 25 × 300 होता, 25 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 300 होगा, ठीक है, और अभी फिर से कट जाएगा, 3 × 3 = 12, ठीक है, 4 से 2 = 4, 4 × 4 = 36, कितना दोस्तों आया जाके हमारे पास, 90 डिग्री। और दोस्तों अंतिम कौन सा बचा जाके हमारा, बेल के वृक्ष, तो बेल के वृक्ष दोस्तों निकाल लीजिए कितने, 50 × 300, बेल के वृक्ष बटे कुल वृक्ष इंटू 360 डिग्री, कट कर लीजिए दोस्तों यहां से भी, तो देखते क्या बचेगा, कट करते हैं, 0 से 0 गया, या वही 12 काट, चलो 5 × 5 = 30 हो गया, 6 × 6 = 36 और कितना, 60 डिग्री, अच्छा यहां भी तो था 50 वाला, तो दोस्तों हमारा 60 डिग्री आ गया। ये दोस्तों हमारे कोड बने जाके क्या कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि क्या, आम जामुन अमरूद कटहल हो गया, ये कितना होगा, बेल हो गया, थोड़ा बेल और नीचे कर दे रहा हूं, बेल, ठीक है, ये दोस्तों हमारे एंगल बन के आए हैं, ठीक है। अब दोस्तों इन एंगलों को एक वृत्त में दिखाएंगे, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त बना लेते हैं, ये दोस्तों हमारा वृत्त बन गया, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको इस वृत्त को बनाना है, पहले आप टेबल बनाओगे इस तरीके से, उसके बाद दोस्तों इस वृत्त को बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए, अच्छा वृत्त बनाया होगा तो आपने प्रकार की नोक यहां रखी होगी बीच में कहीं ना कहीं, यानी कि सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा, होगा कि नहीं दोस्तों, होगा,
तो सेंटर भी होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कितना 120 डिग्री का है, तो मान लेते हैं दोस्तों ध्यान से देखिए, ये दोस्तों हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, इधर 90 हो जाएगा, ये मान लेते दोस्तों हमारा 120 डिग्री होगा, ये हमारा कितना 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहा था, त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड मतलब ये त्रिज्य हमारी होगी, ये त्रिज्य है दोस्तों, ये भाई सेंटर इसका है, ये सेंटर है, तो सेंटर से भाई वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो इधर भी वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी है और इधर भी वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, तो दोनों त्रिज्याएं होंगी, तो दोनों त्रिज्या के द्वारा इतना एरिया कवर किया गया, इसलिए कहा जाता है त्रिज्य खंड। क्या? त्रिज्य खंड, त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड हुआ भाई। इसको कट करना चाहे तो यहां से बड़े कट कर लीजिए, तो इतना भाग अलग हो जाएगा, तो किसके द्वारा अलग हुआ, त्रिज्या के कारण अलग हुआ, इसलिए इसको त्रिज्य खंड कहते हैं, राइट। उसके बाद ध्यान देखिए 30 डिग्री है, तो 120 और 30, अच्छा थोड़ा सा इसको और कम कर लीजिए, 120 कुछ ज्यादा लग रहा है ना, ये कर लेते हैं 120 ये मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री में जामुन है, ये आम हो गया ना, ये आम हो गया हमारा 30 डिग्री में दोस्तों, जामुन है तो 30 डिग्री में मान लेते हैं ये जामुन हो गया हमारा कितना, 30 डिग्री, और यहां पे क्या जामुन, जामुन। उसके बाद दोस्तों कौन सा है, 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में किस कौन है दोस्तों, हमारा अमरूद है ना 60 डिग्री में, तो अमरूद दोस्तों ये मान लेते हैं 60 डिग्री हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ये मान लेते हैं कि 60 डिग्री में हमारा क्या हो गया, अमरूद, अमरूद। ठीक, उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए कितना कटहल कितने में, 90 डिग्री में, तो कटहल कितने 90 में, तो दोस्तों मान लेते हैं कि कटहल हमारा 90 में है, तो ये लगभग कुछ होगा ये इतना 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री, और इसमें क्या होगा कटहल, कटहल, और जो शेष बचा दोस्तों हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, इसमें दोस्तों क्या है हमारा बेल। और खास बात है दोस्तों, जब भी आपको पाई ग्राफ बनाने के लिए कहेगा तो आपको जो एंगल निकालोगे, जो डिग्री आएंगे इधर, जो एंगल निकलेगी उनका सबका सम 360 होगा, जोड़ भी लीजिए, 120 है फिर 30 कितना 150 हो गया, 150 80 210 हो गया, 210 और 90 300 हो गया, और 360 हो गया। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या बन के तैयार होगा, पाई चार्ट, पाई ग्राफ, कहां गया था, इस आंकड़े को पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, तो ये जाके हमारा दोस्तों पाई ग्राफ निरूपित हुआ जाके, इतना प्रोसेस करने के बाद फिर जाके दोस्तों ये हमारा पाई ग्राफ बना जाके। तो पाई ग्राफ जब भी बनाने के लिए कहेगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, जो आपको सिंपल साधारण वैल्यू दे रखी है उनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब पाई ग्राफ बनाएंगे, समझिए दोस्तों ना। अच्छा ये जो आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या चांदा हो तो उसे बनाइएगा, वरना क्या एक गेस करके अंजाद से आप 120 30 60 90 और 60 डिग्री एक अंजाद से आप कोण बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास वहां समय बचता है तो आप नाप नाप के बनाइए सबसे, और यदि टाइम नहीं बचता, वैसे टाइम क्या एक ही घंटे का समय मिलता है, तो यदि इसको नापेंगे तो समय हो सकता है ज्यादा लग जाए, ठीक है। तो यदि आप डायरेक्ट भी ऐसे बना देंगे एक गेस करके अंजाद में तो आपका काम चल जाएगा, और यदि आप चांदे से बना दे तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन डायरेक्ट भी ऐसे जैसे मैंने बनाया ऐसे बना देंगे तब भी आपका सही है गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए कर लीजिए फटाफट, चलिए मुझे उम्मीद है आप अब इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और दोस्तों इसी टाइप का करा दे रहा हूं, चलिए शुरू करो, इसी टाइप का दोस्तों एक प्रश्न और है, बता इसको लगा लीजिए टेबल को, मतलब टेबल सॉल्व कर लीजिए और ये चित्र बना लीजिए इस तरीके से पाई चार्ट। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय आपसे कह रहा है 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, आगे कह रहा है रुपये 10,000 है,
इस राशि को वह निम्न मदों में व्यय करता है। इस राशि को वह कौन वह व्यक्ति निम्न मदों मतलब जरूरतों निम्न मदों पर खर्च करता है। आगे दोस्तों आपसे कहता है मकान का किराया, आप नीचे से लिख दिया, मैं यही लिखे दे रहा हूं, ठीक है, आप यहां नहीं लाइन से लिखिएगा, मकान का किराया बराबर ₹1000 दोस्तों मकान का किराया देता है। उसके बाद कह रहा है महीने का राशन एवं फल ₹2000 बच्चों की फीस ₹2000 मनोरंजन मतलब पिक्चर वगैरह भी देखता लग रहा या कोई और भाई कोई मनोरंजन करता हो मनोरंजन पे दोस्तों कितने खर्च कर रहा ₹1000 अच्छा खासा मनोरंजन पे खर्च कर रहा जरूरी भी है। दवा पर भी दोस्तों खर्च कर रहा है कितना दवा पर बराबर लगा लीजिए यहां पर इधर लिखे दवा पर बराबर ₹1000 और दोस्तों बीमा भी खुलाए हैं बीमा बराबर ₹1500 और अनिबद्ध मतलब फालतू वाले मतलब अनिबद्ध क्या जो ऐसे खर्च हो गए पता भी नहीं चले आदमी कोई जरूरत का सामान है उसको लिख दिया कितना ₹1500 छोटे मोटे खर्चे और भी होंगे उनको कहते अन्य में इतना दोस्तों खर्च कर देता है। कह रहा है इन आंकड़ों के आधार पर पाई ग्राफ निरूपित कीजिए इन आंकड़ों के आधार पर पाई ग्राफ निरूपित कीजिए मतलब प्रदर्शित कीजिए निरूपित कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा वही देखिए ध्यान से इसको पढ़ रहा हूं देखिए दोस्त दिखा रहा इसको भी पता कर दूं चलिए दोबारा बना लूंगा इसके लिए आप दोस्त ध्यान से देखिए इसमें दोस्तों लिख दिए मद और इसमें क्या हो जाए खर्च रुपीज में खर्च काहे में खर्च और ये दोस्तों त्रिज्यखंड का कोण है त्रिज्यखंड के कोण कर लीजिए कि ज्यादा कोण होते हैं ना पिछले वाले में भी कर लीजिएगा ये। अब दोस्तों ध्यान से देखिए मद हमारे पास क्या क्या है खर्च दोस्तों जो हमारा लिया गया है खर्च किसमें रुपये में है तो चाहे पहले लिख लें या बाद में लिख लें चलिए ऐसे लिख देता हूं खर्च अब बैकेट में क्या रुपीज ऐसे ये ज्यादा सही रहेगा ठीक है। अब ध्यान से देखें और इधर चाहे तो क्रमांक मैं बाबा बोलो चाहो आप लोग तो यहाँ क्रमांक फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से जितने भी होंगे लिख लेंगे। दोस्तों ध्यान देखिए पहला क्या है अच्छा एक व्यक्ति की मासिक आय मतलब ₹10,000 कुल आय दोस्तों एक महीने में वह ₹10,000 कमाता है और जो खर्च दिखा दिया वो भी दिखा दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए मकान का किराया पहला क्या है मत किसमें खर्च कर रहा है मकान का किराया पहले लिख लेते फटाफट कितना देता दोस्तों ₹1000 उसके बाद दोस्तों क्या महीने का राशन
राशन एवं फल पे दोस्तों कितना खर्च कर रहा, महीने का राशन एवं, महीने का राशन एवं फल पे दोस्तों कितना खर्च कर रहा, 2000 रुपये। जरूरी भाई खाएगा पिएगा तो है ही, महीने का राशन। आगे बच्चों की फीस, बच्चों की फीस दोस्तों, बच्चों की फीस पे कितना खर्च कर रहा, ध्यान से देखिए 2000 रुपये। जो डाउट होगा इसमें आपके फटाफट दूर हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा, मनोरंजन, मनोरंजन कितना दोस्तों, 1000 रुपये, 1000 रुपये मनोरंजन पे खर्च हो जा रहे हैं। और दवा पे, दवा पे दोस्तों कितना खर्च हो रहा, 1000 दवा पे भी खर्च हो रहा। और लास्ट में क्या है, अच्छा अभी दो हैं, दवा हो गया फिर बीमा, चलिए छोटा छोटा लिख देता हूँ, दवा थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, दवा 1000, बीमा वो दोस्तों वहाँ कितना है 1500 रुपये। और लास्ट में दोस्तों क्या, अन्य मद, अन्य मद मतलब जो अन्य जरूरत है उन पर खर्च हो रहा है 1500 रुपये। दोनों पे सेम हो रहा, एक मिनट, दोनों पे दोस्तों सेम हो रहा है 1500। अब दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे गैप नहीं बचा है, छोटा छोटा लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। कह रहा एक व्यक्ति मासिक आय कितने, 10000 रुपये, और खर्च दोस्तों उसके ये हैं, जिस पे खर्च करता वो आपने लिख लिया। तो कह रहा है इन आंकड़ों के आधार पर पाई ग्राफ बनाएं। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए पहले जानते हैं कि उनके एंगल पता होने चाहिए, तभी पाई ग्राफ बनेगा। इसलिए सबसे पहले एंगल याद करते हैं, क्या करेंगे, मकान का किराया बटे, मकान का किराया होगा बटे क्या, मासिक आय दोस्तों कितनी, मकान का किराया बटे मासिक आय इंटू 360। अभी मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि वृक्षों की संख्या बटे कुल वृक्ष 360 था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या मकान का किराया बटे कुल जो मासिक आय इंटू 360 कर लीजिए दोस्तों फटाफट, क्या मकान का किराया कितना 1000, तो 1000 हो गया बटे कुल मासिक आय कितनी 10000, 4000 इंटू 360 डिग्री, बस सॉल्व कर लीजिए फटाफट, उड़ा दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना चल, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितना चल गया 36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री आ गया, यानी कि मकान का किराया कितना 36 डिग्री में बनेगा। उसके बाद दोस्तों अन्य जरूरतें हमारी कितनी है, ध्यान से देखिएगा, महीने का राशन एवं फल पे 2000, तो 2000 महीने का राशन एवं फल बटे कुल जितना कमाता वो इंटू कितना 360 डिग्री बराबर, ध्यान से देखिए कितना होगा, इसको भी कट कर लेते हैं, कितना बचेगा 3 जीरो से 3 जीरो गया, ठीक है। और दोस्तों ध्यान से देखिए, अच्छा और ये इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 36 दो ना 72 डिग्री दोस्तों हमारा आ गया। आगे दोस्तों ध्यान से देखिए कितना, फिर से 2000 है, तो वही प्रोसेस हो जाएगा, कितना 2000 बटे कितना 10000 इंटू कितना 360 डिग्री, कट कर लेते हैं दोस्तों, कितना बचेगा वही प्रोसेस, 3 जीरो से 3 जीरो गए, चौथे से ये गया, कितना 36 दो ना 72 डिग्री हो गया। उसके आगे दोस्तों फिर से देखते हैं, कितना मनोरंजन पर कितना खर्च करा दोस्तों 1000, कितना 1000 बटे कितना कुल जितना कमाता है वो इंटू 360 डिग्री, ये तो समझ चुके होंगे अब दोस्तों। तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, और इस जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा रखे हमारे पास फिर से 72 डिग्री, तो 72 डिग्री का झड़ी लग गई, और ये हो गया जाके, नहीं 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 यहाँ 36 डिग्री बचेगा ना भाई, ये देखिए क्या 1 बचा ना, तो 36 डिग्री, हाँ 36 डिग्री। अगला देखिए 1000 है, तो 1000 इंटू 1000 नहीं 10000, 1000 इंटू 10000 इंटू 360 डिग्री, कट कर लीजिए, जीरो से जीरो गया, और ये जीरो से ये जीरो का कितना 36 डिग्री हो गया। और छोटे छोटे दोस्तों दोनों ये भी कर 1500 है, तो एक को दोस्तों इधर लिख रहा 1500 बटे कितना 1000, 1 2 3 नहीं सॉरी 10000, 4 इंटू 360, समझ गए, ये इसका है दोस्तों, खींच दूंगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये कट गया, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 3 15 5 2 10 2 1 2 और कितना 2 1 2 2 8 16 18 54 डिग्री, कितने में आ जाएगा 54 डिग्री है। एक दोस्तों ये 1500 बचा, देखिए ध्यान से देखिए, ये तो सामने सामने, ये इसका है, ये इसका ही तो जान दिख ही रहा है, ये दोस्तों इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका होगा, इनका बचा दोस्तों किसका,
अन्य मद का। तो दोस्तों मैं यहां पे निकाल दे रहा हूं, इसमें मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, इसलिए मैं यहां लिखा रहा हूं। आपके पास कॉपी में स्पेस होगा तो इसके लिए नीचे निकाल लीजिएगा। तो अन्य मद बराबर दोस्तों अन्य मद बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, अन्य मद पर कितना है 1500, तो 1500 कूड़े कितना 360 डिग्री हो गया और बटे 10000। कट कर लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, दो जीरो से दो जीरो कट गया है कि नहीं, इस जीरो से ये जीरो कट गया, पांतिया 15, पांच दूनी 10, दो इक्कम दो, दो इक्कम दो, दो अठी 16, 18 तिया 54, 54 डिग्री दोस्तों बन गए अन्य मद पर। तो दोस्तों जो अन्य मद यहां पर लिखा है ये दोस्तों इस तरीके से इसके नीचे साल कर लीजिएगा, समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए। चलिए अब दोस्तों बना लेते हैं ग्राफ, कौन सा पाई ग्राफ, कैसे दोस्तों बना के ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो कहता जाता बनाते जाओ फटाफट, क्या कह रहा पहला 36 डिग्री, तो दोस्तों ये हमारा सीधी लाइन खींच लीजिए तो 36 डिग्री मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा लगभग 36, ये मान लेते 36 डिग्री हो गया 36 डिग्री। और क्या है 36 डिग्री में दोस्तों, मकान का किराया दोस्तों, तो इसके अंदर लिख पाना तो बड़ा मुश्किल, लिखता हूं ट्राई करता हूं, मकान का किराया, किराया नहीं आएगा तो उसमें बाहर लिख दूंगा, फिर उसके बाद कितना 72 डिग्री आएगा ना, तो 72 डिग्री दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा है, इतना 72 डिग्री होगा। इसमें दोस्तों क्या है हमारे पास, महीने का राशन एवं फल, महीने का, अच्छा ये नहीं इसके अंदर लिख पा रहे हो तो डैश करके यहां बाहर लिख सकते हो, ठीक है, महीने का राशन एवं फल, ये नहीं लिख पा रहे उसके अंदर तो बाहर लिख देते। उसके बाद दोस्तों क्या फिर से 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री दोस्तों ये दोस्तों कुछ बनेगा ये, फिर से 72 डिग्री होगा, उसमें क्या है दोस्तों बच्चों की फीस, तो क्या हो जाएगा बच्चों की फीस, बच्चों की फीस, और दोस्तों उसके बाद एक और कौन सा है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री दोस्तों ये कुछ मरेगा 36 डिग्री हो गया, कितना होगा दोस्तों छोटा छोटा बना लीजिएगा थोड़ा, तो 36 डिग्री में कौन सा है दोस्तों मनोरंजन, मनोरंजन शायद ज्यादा बड़ा बड़ा बन गया, और फिर से 36 डिग्री है ना ये दे, हाँ छोटा छोटा बना लीजिए भाई आप समझ गए ना 36 डिग्री। इसमें दोस्तों कौन से है हमारे भैया, हजार रुपये दवाई पे ना 36 डिग्री थी दवा है, अभी मत कहना सर ये इसमें गैप ज्यादा इसमें कम है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए नाप नाप के या एक एग्जैक्ट तरीके से बना लीजिए, फिर कितना 54 इसके दो पार्ट कर दीजिए 54 बना लीजिए, ये हमारा कितना 54 डिग्री हो गया और ये हमारा कितना होगा 54 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना बीमा है एक, तो ये हमारा बीमा हो गया, और ये दोस्तों हमारा क्या अन्य मद, अन्य मद मेरा तो इसी में आ गया भाई, आप लोग भी ऐसे करेंगे तो बन जाएगा, इस तरीके से दोस्तों बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप पाई ग्राफ से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो जरूर बना लेंगे। पहले देखिए क्या दे रखा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसका जो कुछ दे रखा उसका कुल निकाल लीजिए टोटल, जैसे यहां क्या शैली दे रखी थी टोटल एक महीने की, पिछले में क्या बच्चों की संख्या कुल दे रखी, तो कुल निकालिए, फिर जिसके बारे जो चीज पूछ रहा वो चीज ऊपर बटे कुल जो दे रख जो कुल है उसको नीचे 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट जो डिग्री आएगी। अच्छा इनका सम भी कर लेंगे तो देखना ये भी आपका कितना 360 डिग्री आएगा, ठीक कितना आएगा 360 डिग्री तक देख भी लीजिए, तो 6 2 8 2 10 और 10 6 16 16 6 22 और 4 26 एक मिनट 6 2 अच्छा हाँ 26 और 4 30 30 डिग्री होगा, 3 और 3 3 6 और 3 3 6 6 7 13 7 20 3 23 23 और 3 26 4 26 और 5 31 और 5 36 360 डिग्री आया कि नहीं आया, है कि नहीं, तो दोस्तों जोड़ने पर भी हमारे 360 डिग्री आ रहा है, इस तरीके से बना लेंगे, बना लीजिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे।
ठीक है, इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा यहाँ गैप कम बता है तो हम दोबारा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 72 ये 72 होगा, फिर 36 देखो छोटा छोटा बड़ा होगा ना, 54 इससे छोटा बड़ा होगा, तो इसलिए आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। समझ गए ना कि कैसे बनाते हैं, वो जरूरी जरूर समझना है। ठीक है, आपने लिख दिया उतना ही बहुत जरूरी, कि आपने दिखा दिया यहाँ इसमें 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 इतना इतना है, उतना बहुत जरूरी आपके लिए। चलिए 16 करू, मुझे उम्मीद अब आप इस टाइप में कर लेंगे। भले दोस्तों आपको लग रहा हो कि सर इसमें बहुत काफी समय हमें लग गया, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रश्न भी लिखा फिर आपको समझाया भी, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ये प्रश्न लिखने में ही काफी बड़े होते हैं। चलिए तो आपने दो प्रश्न अभी तक लगाए हैं, अगला दोस्तों देखते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है एक त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या होती है कि संख्या है या होती है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, 4 दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास है 1 2 3, 1 2 3 और अनिश्चित, मतलब इन्फिनिटी या कोई निश्चित ही नहीं है, अनिश्चित कहा ना, अनिश्चित कहा मतलब निश्चित नहीं है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में माध्यिका वो की संख्या होगी। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज हमारा हो गया, और आपको पता है माध्यिका कहां उससे पड़ती है, वृत्त के त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका पड़ती है। तो दोस्तों इस त्रिभुज से इस पर माध्यिका डाल सकते हैं, माध्यिका क्या करती है जिस भुजा पर पड़ती है, त्रिभुज के जिस शीर्ष से उसके सामने वाली, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर पड़ती है जब माध्यिका, तो वो क्या करती है सामने वाली भुजा को बराबर भागों में काट देती है। तो एक माध्यिका दोस्तों हमारी ए डी हो गई, कौन सी ए डी हो गई, एक माध्यिका। दूसरी देखिए बी से डालेंगे दोस्तों कितना, बी ई, दूसरी माध्यिका हमारी कितनी हो गई, बी ई हो गई। इसको भी क्या करेगा, ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ई सी, और दोस्तों एक यहां से बढ़ जाएगी, ये इसको, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाए, तो एफ यानी कि सी एफ कितनी दिखी दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज में कितने शीर्ष, 3, भुजाएं कितनी 3, कोण कितने 3, तो माध्यिकाएं भी कितनी 3, याद कर लीजिए। क्या त्रिभुज में शीर्ष भी 3, मैंने क्वेश्चन भी ऐसा कराया, त्रिभुज में शीर्ष 3, त्रिभुज में कितने कोण 3, त्रिभुज में भुजाएं कितनी 3, और त्रिभुज में माध्यिका भी कितनी होंगी 3, मैंने करके भी दिखा दिया 1 2 3। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये माध्यिका दोस्तों एक जगह कट करेंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है यहां पर। चलिए समझ चुके हैं ना, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक वृत्त में त्रिज्या की संख्या होती है, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या होती है, संख्या होती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या होती है, ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों 2 4 8 अनंत, 2 4 8 और अनंत। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होती है, तो दोस्तों ये वृत्त होगा, ये वृत्त का केंद्र होगा, तो यहां से आपको पता है वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारी एक त्रिज्या हो गई, दूसरी त्रिज्या ये हो गई, तीसरी ये, भाई वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाइए, मिलाते जाइए तो आप मिलाते जाएंगे, लेकिन त्रिज्याओं की संख्या कम नहीं होगी, लगातार बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ जाती जा रही दोस्तों, तो यानी कि एक वृत्त में त्रिज्या कितनी होंगी, अनंत, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि नहीं।
जैसे आप देख भी रहे हैं वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दे वो त्रिज्या, अब जितनी चाहेंगे उतनी हम खींच सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 5, क्या कह रहा है? एक वृत्त में व्यास की संख्या होती है, एक वृत्त में व्यास की संख्या होती है, एक वृत्त में व्यास की संख्या दोस्तों क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं 1, 2, 4 अनंत। एक, दो, चार और अनंत। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या होगा? एक वृत्त होगा। और व्यास क्या होता है दोस्तों? वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास। दोस्तों ये वृत्त का केंद्र, इससे जो जीवा जाती है ये दोस्तों कहलाती है हमारी व्यास। तो दोस्तों ये एक जीवा खींच दिया, फिर वृत्त के केंद्र से ये जीवा खींच दिया, फिर वही तरीके से ये जीवा खींच दिया, फिर ये खींच दिया, फिर ये खींच दिया। कहने का मतलब दोस्तों जितनी चाहेंगे उतनी हम खींच सकते हैं, यानी कितनी? अनंत। वृत्त के केंद्र से जीवाएं दोस्तों कितनी खींच सकते हैं? अनंत। तो वही पूछा, एक वृत्त में व्यास की संख्या होती है, तो एक वृत्त में जो व्यास की संख्या दोस्तों कितनी होगी? अनंत। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 4 सही हो जाएगा। बना लीजिए फटाफट दोस्तों, कर लीजिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। ठीक दोस्तों, भले आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम हो पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप क्या पाई चार्ट आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में पुनः, किस प्रैक्टिस सेट नंबर में? 21 में। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।